attention. Look on the board. दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम है. ये लास्ट लेक्चर बर्नौलीज थ्योरम का पढ़ाया गया था जिसमें कुछ एप्लीकेशंस बताए भी गए थे कि बर्नौलीज थ्योरम काफ़ी काम का है. मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि स्प्रे पंप वैक्यूम पंप एरोप्लेन का उड़ना ये सब बर्नौलीज थ्योरम पे बेस्ड है. आज मैं कुछ और एप्लीकेशंस पे चर्चा करने जा रहा हूँ बर्नौलीज थ्योरम का. उसमें एक है टॉरी सेलीज थ्योरम का जो प्रूफ है वो बर्नौलीज थ्योरम पे ही मिलता है. टॉरिसेली भी नाम है साइंटिस्ट का. इनका कहना है कि अगर कोई कंटेनर हो उसमें फ्लूइड भरा हुआ है और उसमें हम बहुत सारा छिद्र करें तब उससे जो फ्लूइड फ्लो होगा बाहर निकलेगा उसकी वेलोसिटी और फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दोनों बराबर होती है. किसी होल से निकलने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी ये बराबर होती है किसके दोस्तों? फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी के बराबर होती है. अब दोस्तों एक बॉल है उसको अगर आप कम हाइट से गिराते हैं क्या होगा? ये इसकी वेलोसिटी जब ज़मीन पे पहुंचेगी तो कम होगी. ज़्यादा हाइट से गिराएंगे तो क्या होगी? ज़्यादा होगी. अगर आप हाइट बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी भी बढ़ जाएगा. इनका यही कहना था कि अगर किसी कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है और उसमें हम बहुत सारा क्या बनाते हैं? छिद्र. एक टंकी में पानी भरा हुआ है और टंकी में क्या कर दिया? बहुत सारा छेद कर दिया. अब उसमें जो पानी निकलेगा तो आप ये बताइए कि किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ऊपर वाले की या नीचे वाले की? इक्वल कैसे हो जाएगा? एक सिंपल सा एक्सरसाइज आप लोग सब कर सकते हैं. एक पॉलीथीन ले लीजिए, पानी भर दीजिए, इतना तो कर सकते हैं. क्या लीजिए? एक पॉलीथीन. रुको जी, पर नीचे आइए दोस्तों, हम लोग टॉरी सेली थ्योरम को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करते हैं. इस कंटेनर में आप देख सकते हैं पॉलीथीन के अंदर पानी भरा हुआ है. अब इसके अंदर हम छेद कर रहे हैं. एक छेद हम देखिए यहाँ पे कर रहे हैं कुछ हाइट पे, ये देखिए इनका स्पीड, और एक बिल्कुल नीचे कर रहे हैं. तो आप देख सकते हैं काफ़ी तेजी से पानी गिर रहा है. दोनों का स्पीड आप देख सकते हैं, ऊपर वाले का स्पीड काफ़ी कम है और नीचे वाले का स्पीड क्या है? ज़्यादा है. तो टॉरी सेली का यही कहना है जितना डेप्थ बढ़ेगा उतना ज़्यादा वेलोसिटी भी बढ़ेगा. डेप्थ बढ़ेगा और वेलोसिटी भी क्या होगा? बढ़ेगा. तो ये था आपका टॉरी सेली थ्योरम का आपका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दोस्तों. तो दोस्तों आपने अभी टॉरी सेली थ्योरम का जो है आपने प्रूफ देखा, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ. अब इसका थ्योरेटिकल प्रूफ देखें. इनका ये कहना कि ये गढ़ाई जितना ज़्यादा नीचे जाएंगे उतना ज़्यादा वेलोसिटी होगी. इस बैलून में भी वही किया मैंने, पानी भर दिया है, ये छेद ऊपर है तो इसका स्पीड कम है, नीचे गिर रहा है, नज़दीक में गिर रहा है. अब ये होल यहाँ पे किया और नीचे किया तो थोड़ा दूर गया, और नीचे करेंगे तो ये और दूर जाकर गिरेगा. इसका मतलब जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी छिद्र से निकलने वाले फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जाएगी. जिस तरह से एक ऑब्जेक्ट को अगर हम कम हाइट से गिराते हैं तो उनकी वेलोसिटी अर्थ सरफेस पे कम होती है, ज़्यादा हाइट से गिराएंगे तो ज़्यादा होगी. यही तो इनका कहना है, द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड थ्रू एनी होल इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट. और फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वी इक्वल रूट अंडर 2gh. ये फॉर्मूला आप लोगों को बर्नौलीज थ्योरम के हेल्प से प्रूफ करना है. तो बर्नौलीज थ्योरम ने क्या कहा था कि जितनी एनर्जी ए पर होगी उतनी ही बी पर होगी. तो टोटल एनर्जी तीन तरह का बताया गया था, पोटेंशियल, काइनेटिक, प्रेशर. ये सब ए पर है और ये सारे बी पर हैं. अब हम हाइट की बात करें, ए का हाइट लेवल जो है उसको हमने लेवल माना है बी पॉइंट को. यहाँ से हाइट एच है, एच ए बराबर एच. यहाँ पे जो वेलोसिटी है लिक्विड की यहाँ पे वो ज़ीरो है, और प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतने में कोई ख़ास अंतर नहीं पड़ने वाला है. इसलिए यहाँ भी प्रेशर पी माना, यहाँ भी प्रेशर क्या माना? पी माना.
वेलोसिटी की बात करें, हाइट की बात करें, बी को चूंकि हमने लेवल माना है तो बी का हाइट क्या होगा, जीरो, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी उसको वी मान लिया गया। ये पी और ये पी आपका कैंसिल है, ये हो गए जीरो, बचा क्या रो जी एच, इधर क्या बचा हाफ रो वी स्क्वायर, रो रो कैंसिल, तो वी स्क्वायर इक्वल होगा टू जी एच, तो वी का फॉर्मूला होगा रूट अंडर टू जी एच। इससे ये प्रूफ हो गया कि किसी भी होल से, छिद्र से निकलने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी और फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दोनों ही बराबर होती है, जिसका फॉर्मूला होता है वी इक्वल रूट अंडर टू जी एच। नेक्स्ट है मैग्नस इफेक्ट, ये भी बर्नौलीज थ्योरम पे बेस्ड है। आपने क्रिकेट देखा होगा, स्पिन बॉलर्स को देखा होगा, स्पिन बॉलर्स उसका गेंद काफ़ी घूमता हुआ जाता है, स्ट्रेट पाथ पे नहीं जाता, वो कर्व पाथ पे आता है, जिससे जिससे बैट्समैन को समझ भी नहीं आता गेंद किधर जा रही है, गेंद किधर जाए, वो चकमा खा जाता है। गेंद क्या करती है, कर्व पाथ फॉर्म करती है, तो वो कैसे कर्व पाथ फॉर्म करती है, इसी इफेक्ट का नाम है मैग्नस इफेक्ट। ये भी एक तरह से बर्नौलीज थ्योरम पे आधारित है। तो जब गेंद स्पिन करती हुई जाती है, बॉल कैसे जाती है, स्पिन करती हुई नाचती हुई जाती है, तो उसके ऊपर वाले जो एयर होते हैं उसकी वेलोसिटी कम होती है और नीचे वाले एयर की वेलोसिटी ज़्यादा होती है, तो ऊपर वाले का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, वेलोसिटी कम प्रेशर ज़्यादा, बर्नौलीज थ्योरम का यही कहना था, प्रेशर कम होगा वेलोसिटी ज़्यादा होगा, वेलोसिटी कम होगा प्रेशर ज़्यादा होगा, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। चूँकि नीचे वाले एयर की वेलोसिटी ज़्यादा है तो नीचे का प्रेशर कम होगा, ऊपर की वेलोसिटी कम होती है तो ऊपर का प्रेशर हाई होगा, तो मतलब प्रेशर में डिफरेंस होगा, इस प्रेशर डिफरेंस के कारण ही वह गेंद सीधा नहीं जाके वो टेढ़ा मेढ़ा पाथ, कर्व पाथ, जिगजैग पाथ फॉलो करती है, जिसे बैट्समैन को समझ में नहीं आता गेंद किधर जा रही है और वो बोल्ड हो जाते हैं। इस इफेक्ट को कहते हैं मैग्नस इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट कहते हैं, मैग्नस इफेक्ट। ये किस पे बेस्ड हो गया, बर्नौलीज थ्योरम पे। अब एक इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, अगर कोई ट्यूब हो और उससे लगातार कंटिन्यूस रूप से लिक्विड फ्लो हो रहा हो, एक पाइप के अंदर पानी एक तरफ से लगातार आ रहा हो, दूसरी तरफ से निकल रहा हो, लगातार कभी रुक नहीं रहा हो बीच में, उसको कहते हैं कंटिन्यूस फ्लो। तब ऐसे कंडीशंस में इनपुट वॉल्यूम इक्वल होते हैं आउटपुट वॉल्यूम के, इनपुट वॉल्यूम इक्वल होंगे आउटपुट वॉल्यूम के, ए वन वी वन टी इक्वल होगा ए टू वी टू टी, टी टी कैंसिल, ए वन वी वन इक्वल ए टू वी टी। ये कल भी आपको बताया गया था, बर्नौलीज थ्योरम के प्रूफ में भी ये हमारा आया था, या टी टी कैंसिल, ए वन वी वन इक्वल ए टू वी टू। इसी इक्वेशन का नाम है इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी। इस तरह से दोस्तों ये चैप्टर हमारा जो था फ्लो ऑफ फ्लूइड्स एंड विस्कोसिटी, ये आपका समाप्त हुआ, एंड हुआ इसका। अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूलों को जमा करते हैं, जिसका नाम पावर बैंक है। इसमें सबसे पहले आपने विस्कस फोर्स का फॉर्मूला देखा था, माइनस ईटा ए वी बाई एक्स, जिसको डी वी बाई डी एक्स फॉर्म में भी आप देख सकते हैं। इसी से ईटा निकाला था, ईटा का फॉर्मूला क्या होगा, मेहनत महान है आप लोग, ईटा का फॉर्मूला क्या होगा, ईटा का फॉर्मूला निकालिए माइनस एफ एक्स बाई ए इंटू वी, यहां से ईटा निकालेंगे माइनस एफ एक्स बाई ए इंटू वी, और क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा के ईटा बाई आर रो, फ्लूइड की जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, जहां के का नाम था रेनॉल्ड नंबर, क्या नाम था, रेनॉल्ड नंबर। इसका वैल्यू अगर 2000 से कम हो तो मोशन स्ट्रीम लाइन मोशन होगा, और 3000 से ज़्यादा हो तो मोशन वो टर्बुलेंट मोशन हो जाता है। ये स्ट्रीम लाइन मोशन क्या है, बताया था, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फिक्स डायरेक्शन में फिक्स वेलोसिटी से चले तो उसका नाम स्ट्रीम लाइन है, और जब वेलोसिटी का ना डायरेक्शन फिक्स हो ना मान फिक्स हो, चारों तरफ जा रही हो, उसका नाम था टर्बुलेंट मोशन। तो दोस्तों ये के का जो मान है वो अगर 2000 से कम होगा तो मोशन स्ट्रीम लाइन होगा, और 3000 से ज़्यादा होगा तो वो टर्बुलेंट मोशन कहलाता है। और आपने एक स्टॉक्स फॉर्मूला देखा था, कोफिशेंट ऑफ स्टॉक्स फॉर्मूला ऑफ विस्कस फोर्स एफ बराबर 6 पाई ईटा आर वी, और कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए भी ये स्टॉक्स फॉर्मूला बताया गया था, टर्मिनल वेलोसिटी का ये स्टॉक्स फॉर्मूला था। इसी से हम लोग निकाले थे वी प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है ये सब,
जो न्यूमेरिकल्स जो है ज़्यादातर देखें इन्हीं सब फॉर्मूले पे बेस्ड हैं। वी टू बाई वी वन करें तो आर टू बाई आर वन का ऑल स्क्वायर होगा। अभी आपने कंटिन्यूस फ्लो के लिए पढ़ा ए वन वी वन इक्वल ए टू वी टू, और ये बर्नौली थ्योरम से पढ़ा था कि टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट होती है, रॉ जी एच प्लस हाफ रॉ बी स्क्वायर प्लस पी, दैट इज कॉन्स्टेंट। और किसी छिद्र से अभी जो टॉरिसेली थ्योरम है उससे यह फॉर्मूला आया था। एक फॉर्मूला जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल में उसके क्वेश्चंस रहते हैं, तो उस फॉर्मूले को भी मैंने आपको दिखाया कि किसी भी ट्यूब से फ्लूइड का फ्लो का कितना क्वांटिटी फ्लो होगा, कितना वाटर का क्वांटिटी फ्लो होगा, उसको क्वांटिटी ऑफ वाटर का क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड के लिए फॉर्मूला है पाई, और पी है प्रेशर, आर है रेडियस ऑफ ट्यूब, ईटा कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, एल है लेंथ ऑफ ट्यूब। अगर कोई ट्यूब है उससे कंटिन्यूस वाटर फ्लो हो रहा है तो कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर यूनिट टाइम में फ्लो होगा उसको निकालने के लिए ही ये फॉर्मूला है। मान लो इसका रेडियस क्या है, आर है, पी होता है प्रेशर डिफरेंस दोनों एंड का, इस तरह से वाटर एक तरफ से इन हो रहा है एक तरफ से आउट हो रहा है, इधर का प्रेशर अगर आप पी वन मानते हैं इधर का पी टू मानते हैं, ये जो पी होगा वो पी वन माइनस पी टू होगा, प्रेशर डिफरेंस ऑफ टू इंड्स, लेंथ इसका एल मानते हैं, रेडियस इसका आर मानते हैं, और ईटा तो आप जानते हैं कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी है। इससे आपको रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड निकल जाएगा कि कितना क्वांटिटी का फ्लूइड यूनिट टाइम में किसी ट्यूब से फ्लो हो सकता है। इसको पॉइज़े नाम के साइंटिस्ट ने बताया, इसलिए इसको पॉइज़े फॉर्मूला कहा जाता है। आगे दोस्तों आप लोग न्यूमेरिकल्स बनाएं, आज इतना ही है, धन्यवाद।